जाकर के सरेंडर कर लेता है, अरे ये तो मेरे पिताजी है, मेरे माताजी है, सब लोग खड़े, इनको मैं कैसी मान करूं, डिप्रेशन में होता। आज भी आज वही चीज बताया गया, आज वो स्टेज आ गया है, एक परिवार में बैठा है, इधर पत्नी है इधर माँ है, वो दोनों के बीच में आदमी सैंडविच बन गया, बोलता मैं माँ को जोर से नहीं बोल सकता, पत्नी को जोर से नहीं बोल सकता, और दोनों के बीच में जो भी जीता उनके साथ हो जाता है, दूसरा हो जाता है, लास्ट में वो जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। व्यापार करते हैं धर्म युद्ध के सामने, चोरी चमारी से कैसे आगे बढ़े, कैसे करें, और कहीं फंस जाते हैं, लूट जाते हैं, तो सब वो बैठ जाते हैं डिप्रेशन में। यही चीज अर्जुन भी किया, या मस्त युद्ध तो छेड़ दिया, युद्ध महाभारत में तुम्हें छेड़ा। उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन ने कहा एक इंच जमीन भी नहीं देंगे, जब 12 वर्ष का जुआ खेले, जुआ कौन खेलने के लिए बोला, तुम लोग तो जुआ खेले हो। तो जितना भी आज आज अगर युधिष्ठिर का नाम लेते हैं कि धर्म अवला भी इनके समान धर्मी नहीं है, लेकिन जुआ तो तुम खेले हो, ये सच्चाई है उसमें दिया है। तो जुआ कौन खिलवाया, उन्हीं का सगे मामा ने, कौन, शकुनी। तो शकुनी उस समय एक था, आज तो घर घर में शकुनी है, बर्बाद करने के लिए एक एक शकुनी बैठा हुआ है। ये सब बताया कि 5000 साल के बाद में ये युद्ध होगा, और इसमें महाभारत में गीता में बैठ करके उन्होंने यही लिखा है कि भैया श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पुनर्जन्मा था महाभारत युद्ध में, लेकिन आज अर्जुन तू मेरा एकांत में मिले हो, एकांत मतलब मैं श्री कृष्ण बैठा हूं, अब मैं तुमको अर्जुन चल तुमको मैं सुनाता हूं, तुम्हारे अंदर में जो धर्म युद्ध अंदर चल रहा है उसके बारे में बताया। तो ये उपदेश जो है ना, ये आत्मा और परमात्मा के बीच में, और वो युद्ध जो है जमीन जायदाद के लिए। अब समझ में आ गया होगा भगवत गीता में और गीता में ये अंतर। तो कभी भी कोई पूछे तो उनको स्पष्ट, क्योंकि कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि पहला श्लोक में लिखा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र बता रहे तो कुरुक्षेत्र क्यों बताए, और फिर ये भी बोला कि मेरे मेरे और तेरे, मतलब मेरा भाई के बच्चे और मेरे मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे, ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा, और आज घर घर में हो रहा, किस घर में नहीं हो रहा है बता दीजिए। ये फोरकास्ट, ये जो एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, नेस्ट्राडामस की बात करते हैं, फ्रेंच की बात करते हैं, इतना फोर, ये तो गीता में तो 5000 साल पहले डिक्लेयर कर दिया क्या होने वाला आगे, और जबकि धर्म की ग्लानी होगी उस समय अवतरित होगा। तो कलिक का उसमें जैसे 10 अवतार दिए कृष्ण भगवान के बाद में 9वां अवतार हो गया, 10वां, 7वां जो है राम अवतार है, उसके बाद बलराम अवतार है, फिर कृष्ण अवतार, उसके बाद में अभी जो है कलयुग, कलंकी महाराज। तो कलंकी महाराज को नेस्ट्राडामस ने क्या लिखा, उसने बोला है कि अब कुछ दिनों के बाद में एक कलंकी महाराज के बारे में उन्होंने लिखा कि पूरे दुनिया के अंदर में एक राजा होगा, वो जितने भी दरिंदे और जो भी जितने खराब लोग हैं उनको चुन चुन करके मारेगा। ये नेस्ट्राडामस ने लिखा, और वही चीज हमारे गीता में शुरू में ही पहले लिख दिए थे कि जब भी ग्लानी होगी तो भगवान जो है खुद मनुष्य के रूप में धारण करेगा, जिसका मृत्यु और मरण भी दिखाया गया, लेकिन उससे परे एक शिव भगवान जिनको हम देख नहीं पा रहे, तो उनको आंखों से नहीं देख सकते हजारों, तो आपको अपना ध्यान और भक्ति मार्ग से, ध्यान मार्ग से, और जब तुम पहुंचोगे या कर्म और मार्ग से, जो गौतम बुद्ध जी ने कहा, तो ये भी गीता में लिखा हुआ। जय जिनेन्द्र, अभी आपका बता जितेंद्री क्यों बताया, वो बोला भैया महाभारत युद्ध में तो आपने दर्शाया कि मनुष्य के अंदर में किस तरह से उथल पुथल होगा, आगे होगा, तो मुझे युद्ध नहीं दिखाना, हिंसा नहीं दिखाना, हम अहिंसा के हैं, इसलिए उन्होंने जितेंद्री बताया। तो ये जैन धर्म में दिखा। उसी प्रकार अगर गौतम बुद्ध जी का देखेंगे, उन्होंने लिखा कर्म कर्म योगी, उन्होंने बोले सब छोड़ो, काम करते करते अपना ध्यान जो किसने लगाया भगवान के प्रति, वो कर्म योगी है, उन्होंने बताया। उसी प्रकार गुरु नानक जी ने कहा मन को मीत बनाओ, सबसे बढ़िया चीज है, इसी का युद्ध बताया कृष्ण भगवान ने, यही बताया मन को परमात्मा से लगो, तो उसको मीत बनाने के लिए मन 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 मीत किया है तो जग जीता, मन जीता तो जग जीता, उन्होंने यही कहा। आगे जितना भी धर्म में जाएंगे तो उसका कोई ना कोई अंश गीता में मिलता है, इसलिए गीता को माता कहते हैं, और गीता जो है प्योर है, आज बच्चों को पढ़ाने से नहीं पढ़ा सकते। उसमें एक प्रसंग है बहुत अच्छा, उसको समझिएगा। उसमें आप देखे होंगे कि दुर्योधन और अर्जुन, ये दोनों का अलग अलग रूप दिखा है। ये दोनों जो है कृष्ण भगवान के पास जाते हैं युद्ध के पहले कि भैया आप मेरे तरफ आ जाओ, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का झगड़ा चल रहा है, तो वो बोले कि पोलैंड मेरे तरफ है, तो ये भारत मेरे तरफ।
पाकिस्तान, ये जो तरफ तरफ वाले आते हैं उसी प्रकार भगवान के पास ही खुद चले गए। सबको मालूम है कृष्ण भगवान जिनके तरफ हो गया अद्भुत होगा, ये चीज बताया गया। और सबसे बड़ी चीज है दुर्योधन को शकुनी ने, जो दुष्ट भी होते हैं कभी कभी अच्छे धर्म की बात करते हैं, तो शकुनी ने उनको टोक टोक के बताया किसी भी हालत में तुम कृष्ण भगवान को ही मांगना। वो पूरा समझ के आया था लेकिन उसकी मति, जो आदमी जो गलत करता है उसका मति भ्रष्ट हो जाती है। जैसे आए है अहंकार आदमी का, वो कृष्ण भगवान के पैरों के पास नहीं खड़े हुए, अरे मैं तो राजा दुर्योधन, और जाके सिर के पास खड़े हो गए। अर्जुन जी पैर के पास खड़े हुए। इसलिए हम लोग को कभी भी बड़े बूढ़ों के सिर के पास मत खड़े होइए, पैर के पास खड़े ही, क्योंकि सबसे पहले आपको देगा तब सबसे पहले आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो वो उन्होंने जैसे आंख बोला अर्जुन को देखो बोला है अर्जुन तुम कैसे आए हो, तो दुर्योधन से रहा नहीं गया। तो दुर्योधन क्या बोलता है, नहीं नहीं अर्जुन से पहले मैं आया हूं। वहां पर भी झगड़े की बात, ये नहीं कि छोटा भाई है चलो उसकी बात के, नो कॉम्प्रोमाइज। तो फिर दुर्योधन से बात हुई, फिर लास्ट में फिर उन्होंने बोला अर्जुन तुम क्या मांगते, बोले दुर्योधन बोलता है कि मैं पहले मांगूंगा कि मैं पहले आया हूं, चलो तुम ही मांग लो, दुष्ट के मुंह से क्या निकलेगा, खराब भी बात निकली। उन्होंने बोला कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे तरफ अक्षुणी सेना है, इतनी सेना है कि तुम जन्मजात से हो जाओगे, और पूरा जितना शस्त्र अस्त्र सब पूरा एक तरफ है, दूसरे तरफ मैं हूं। दुर्योधन अचंभे में रह गया, वो भूल गया शकुनी की बात को। फिर उसने बोला और एक बात ऐड कर दिया ताकि इसका बुद्धि भ्रष्ट हो, कभी भी भगवान अधर्मी लोगों के साथ में नहीं रहना चाहते, ये भी एक ब्यूटी है। तो उन्होंने कहा मैं युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिंपली मूक दर्शक बन के बैठूंगा, मेरे द्वारा कुछ काम नहीं होगा। फिर तो कंफर्म हो गया, दुर्योधन बोलता फिर तो हमको अक्षुणी सेना चाहिए, मेरे को आपकी जरूरत नहीं। और अर्जुन को इस तरह से कृष्ण भगवान मिल गए, ले गए। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीख रहे, हम लोग को भी ऐसी मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है, पूरे दुनिया का साम्राज्य, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये कार वीर कार, ये सब कुछ रहता है, दूसरी तरफ एक धर्म भगवान रहते हैं। मैं भगवान को भी छोड़ देता हूं, मेरे को इतना पैसा मिल रहा है कहां भगवान है, यही चीज बताया। बोला कि इस कलयुग में वही होगा और हम लोग यही कर रहे हैं। कौन पूजा कर रहा, देखिए पूजा जब उनको कष्ट हो जाता है, कोई शारीरिक पीड़ा होती है या मानसिक पीड़ा होती है, घर में कुछ ग्रह युद्ध होता है, खुद का पर्सनालिटी कुछ होती है, समाज के द्वारा प्रतिनिधित्व, तो तब भगवान का चरण में जाते हैं। अगर आप संपन्न हो जाओ, बहुत पैसा वाला हो, अरे भगवान कहाँ है, छोड़ो यार, मस्त रहो, ऐश करो, इधर जाओ उधर जाओ, चले जाएंगे। लेकिन जैसे उनको चोट लगती तो फिर भगवान, हे प्रभु रक्षा करो। सेम यही चीज उन्होंने, भगवान ने उसके आंखें खोली है कि तुम धर्म युद्ध में ये कर रहे हो। तो इसमें आप समझना चाहिए कि हमको कौन से समय में भगवान को कैसे करना, यही चीज उसमें दिया है कि धर्म युद्ध का मतलब जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे, गीता में दिया। लास्ट में उसने यही कहा कि धर्म युद्ध में और इसमें अंतर यह है, कोई जीतने के लिए लड़ता है तो वो कुरुक्षेत्र है, जो महाभारत जहां पर महाभारत लिखा हुआ है और जहां पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा, उसमें लिखा है तुम हारो चाहे जीतो तुम धर्म के साथ में चलोगे। तो तुम गीता का उपदेश ये बताते, तो कहने का मतलब है स्पष्ट एकदम, एक जहां पर युद्ध जो है जमीन जायदाद के लिए हो सकता है, तो दूसरी तरफ लड़ेंगे, अंदर द्वंद्व चल रही है, लेकिन अंदर में उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो लड़ाई है अच्छाई के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हो, उसमें जीत और हार कभी मत सोचना, जीतने से भी जीत गए, हारने से भी तुम जीत गए, क्योंकि तुम धर्म के साथ में चल रहे हो, यही गीता में बताया गया। तो इसी को लोगों को बहुत सारे भ्रांतियां रहती है तो कंफ्यूज होके, जबकि टेक्स्ट बुक के लाए पूरा, अगर बच्चों को अगर बचपन से सिखा दे तो महात्मा गांधी जी इसको देखिएगा, अकेले में प्रॉब्लम आते जाते हैं, परिवार का अगर कोई सगी संबंधियों में झगड़ा होता है